नमस्कार, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन के इस इनिशिएटिव के तहत महाविद्यालय परिवार द्वारा आपको ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म दिया गया है। आशा करते हैं कि आप इसका भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे BSc सेकेंड ईयर के यूनिट अल्कोहल के बारे में, और अभी तक हमने बात की है कि अल्कोहल की परिभाषा क्या होती है, मतलब अल्कोहल क्या होता है, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फार्मूला उसका क्या होता है, अल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और उसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। अब हम आगे नामकरण के बारे में ही बात करेंगे। हम कर रहे हैं BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकेंड अल्कोहल। इसमें इस वीडियो से पहले हम इसके जनरल फार्मूला को स्टडी कर चुके हैं, हम इसकी वर्गीकरण को स्टडी कर चुके हैं, और आज हम स्टडी कर रहे हैं इसके नामकरण को, नामकरण या नोमेनक्लेचर। नामकरण में जैसा कि आपको बताया गया था, तीन प्रकार की विधियां हैं। एक तो है सामान्य विधि, सामान्य पद्धति, दूसरी है कार्बिनॉल, इसको ड्राइव्ड मेथड भी बोलते हैं, विद्युत पद्धति भी बोलते हैं, और जो तीसरी विधि होती है वो होती है IUPAC मेथड। हम इस मेथड के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे कार्बिनॉल मेथड के बारे में और IUPAC मेथड के बारे में, और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, और उसके बाद में हम जाएंगे आगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखिए, नामकरण में सबसे पहले क्या है, देखिए नामकरण कार्बिनॉल पद्धति, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, इसको विद्युत मेथड भी बोलते हैं, ड्राइव्ड मेथड भी बोलते हैं, और कार्बिनॉल मेथड भी बोलते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि अल्कोहल को कार्बिनॉल का व्युत्पन्न माना जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इसका अर्थ यह होता है कि अल्कोहल को कार्बिनॉल का व्युत्पन्न माना जाता है। अब ये कार्बिनॉल क्या है उसको देखिए, CH3OH को क्या बोला जाता है, CH3OH को बोला जाता है कार्बिनॉल, और बाकी सभी अल्कोहल को इसी से ड्राइव्ड माना जाता है। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखिए, CH3CH2OH, तो ये तो क्या हो गया, इसको तो क्या बोलेंगे, कार्बिनॉल, और इसको क्या बोलेंगे, मेथिल। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा मेथिल कार्बिनॉल। इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखिए, हमारे पास दूसरा एग्जांपल है CH3CH2CH2OH। यहां पर जो ये है इसको बोलते हैं कार्बिनॉल, इसको क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल, और ये आगे एथिल है, दो कार्बन है, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिनॉल। इसी तरीके से अगर हम अगले एग्जांपल के बारे में बात करें, मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है, ये
CH, थर्ड एग्जांपल इसी का, CH, CH3, CH3, और OH, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब इसका जो जनरल नेम होता है, सामान्य नाम होता है, वो क्या होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो, और तीन कार्बन है इसलिए होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो इसका जनरल नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। लेकिन यहां पर एक कार्बिनॉल भी है, और वो कार्बिनॉल देखिए कौन सा समूह है, इस समूह को कार्बिनॉल समूह कहा जाता है। तो इसका जो कार्बिनॉल पद्धति में नामकरण हो जाएगा वो किस तरीके से होगा, देखो एक और दो, दो मेथिल है, तो इसका नामकरण हो जाएगा डाइमेथिल, डाइमेथिल कार्बिनॉल, डाइमेथिल कार्बिनॉल, ये होगा। इसके अलावा अगर हम अगले एग्जांपल के बारे में बात करें, ये तीन एग्जांपल हम कर चुके हैं, फोर्थ एग्जांपल के बारे में बात करें तो फोर्थ एग्जांपल में क्या है, देखिए सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री ओ एच, इसका जनरल नाम है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, मतलब तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ये इसका जनरल नाम। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं आईयूपीएसी जो उसके कार्बिनॉल नाम के बारे में, तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप इसको कार्बिनॉल ग्रुप कहेंगे, इसको कार्बिनॉल ग्रुप कहेंगे, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, एक दो तीन, तीन का इसमें मेथिल है, तो इसका नामकरण हो जाएगा ट्राइमेथिल, ट्राइमेथिल कार्बिनॉल। अभी हमने कार्बिनॉल मेथड के बारे में पढ़ा, कार्बिनॉल मेथड में CH3OH को कार्बिनॉल कहा जाता है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन तीन हो ये आवश्यक नहीं है, हाइड्रोजन हमेशा तीन हो ये आवश्यक नहीं है। मेन कंसेप्ट क्या है कि कार्बन के साथ में अगर OH लगा हुआ है, सिंगल कार्बन के साथ में अगर OH लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बिनॉल कहेंगे, और बाकी सभी नामों को उसी से ड्राइव्ड माना जाएगा। जैसे यहां पर ये कार्बिनॉल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनॉल, यहां पर ये कार्बिनॉल हो गया, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिनॉल, यहां पर ये कार्बिनॉल हो गया, दो मेथिल है तो क्या बन जाएगा, डाइमेथिल कार्बिनॉल, और यहां पर ये कार्बिनॉल है, तीन मेथिल लगे हुए हैं तो क्या बन जाएगा, ट्राईमेथिल कार्बिनॉल। तो अभी हमने कार्बिनॉल नामकरण की जो विधि है उसको संपन्न किया। नेक्स्ट देखो दूसरी विधि, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अल्कोहल, ROH अल्कोहल, और किसके लिए है ये, BSc सेकेंड ईयर के लिए, BSc सेकेंड ईयर यूनिट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, अल्कोहल चल रहा है। इसके अंदर हमने अभी तक दो नामकरण पढ़े हैं, सबसे पहला नामकरण था सामान्य पद्धति और दूसरा नामकरण जो है वो कार्बिनॉल पद्धति। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का नामकरण हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और वो नामकरण देखिए कौन सा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का नामकरण है आई यू पी ए सी नामकरण, जिसे कि संपूर्ण विश्व में यूनिवर्सली मान्यता प्राप्त है, आईयूपीएसी नामकरण। अब इसमें सबसे पहली बात क्या है, इसमें सबसे पहली बात है कि OH को क्या बोला जाता है, OH को यहां पर बोलते हैं और, OH को यहां पर बोलते हैं और, ठीक है, और इसका नामकरण किया जाता है किस तरीके से, एल्केन, एल्केन प्लस और, तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन प्लस और क्या बन जाएगा, एल्केनॉल, एल्केन प्लस और क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। अब इंग्लिश में थोड़ा सा इसको समझ लीजिए किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा एल्केन है, एंड अब मैं यहां पर इसको चेंज कर रहा हूं, एल्केन ये ई है, यहां पर ये ई मैंने अलग कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि इसको हम हटाएंगे, प्लस और, प्लस क्या आएगा और, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, यहां से ई रिमूव हो जाएगा और ओ इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो ऑल ओवर क्या बनेगा, एलके, एलके नॉर, ये ध्यान रखना, यहां से इस ई को रिमूव करना है और ओएल इसके साथ में जोड़ देना है तो क्या बनेगा, एलके नॉर, इस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। अब इसके नियम वही हैं,
सबसे पहला नियम क्रियात्मक समूह युक्त, यहां पर ओएल क्या है, यहां पर ओएल है फंक्शनल ग्रुप, ये ऑल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है जो कि उस एल्केन की क्रियाओं को प्रभावित कर रहा है। क्रियात्मक समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, क्रियात्मक समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। नंबर दो, अंकन या नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करनी है जिससे OH को कम से कम अंक मिले। नंबर तीन, जब हम इस प्रकार से नामकरण करते हैं OH के साथ में अगर कोई और भी समूह जुड़ा हो या एक ही कार्बन पर OH भी लगा हो और उसी पर ही मेथिल लगा हो तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना है और उसके बाद उसका नामकरण करना है। तो इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए उसको हम करेंगे, ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि E को यहाँ से रिमूव करना है, OL करके एल्केनॉल का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है उसको देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल एल्कोहल में देखिए, ये इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है C, देखिए C CH3 ये इसका सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, सबसे पहले तो उसको देखेंगे। यहां से अगर हम इस तरीके से आते हैं, यहां से सीधी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है तो हमारे पास तीन ही ऑप्शन है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं इस श्रृंखला को लेता हूं ऐसे ऐसे, जिसमें चाहे आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दें और चाहे आप नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट कर दें, OH को दो नंबर ही मिलेगा, OH को क्या मिलेगा, दो नंबर ही मिलेगा। तो मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं, देखिए कैसे, एक नंबर कार्बन, दो नंबर कार्बन, तीन नंबर कार्बन। आगे देखिए किस तरीके से नामकरण हो, ऑल कौन से कार्बन पर है, दो नंबर कार्बन पर है और दूसरे कार्बन पर ही मेथिल है। तो मेथिल यहां पर क्या है, मेथिल यहां पर सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप है, मतलब प्रतिस्थापी प्रकार का समूह है। और OH यहां पर क्या है, OH यहां पर फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या हो जाएगी, मेन चैन हो जाएगी, मेन चैन जिसको क्या बोलते हैं, रूट चेन, रूट चेन। जो सब्स्टिट्यूटिव या प्रतिस्थापी होता है, प्रतिस्थापी हमेशा आता है परफिक्स, मतलब पूर्व लग्न, ठीक है। मेन चेन आती है इसके बीच में यहां पर, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये हमेशा आता है सफिक्स, मतलब अनुलग्न। तो इसका नामकरण कैसे होगा, दो नंबर पे मैथिल लगा हुआ है, मैथिल यहां पर क्या है, परफिक्स की तरह काम कर रहा है। नामकरण IUPAC नामकरण को मैं इस तरीके से शो करता हूं, आई बटा पी से IUPAC नामकरण, जिससे याद रहे। तो इसमें दो नंबर पर मेथिल है तो क्या आ जाएगा, टू मेथिल। नेक्स्ट हाइफन का यूज करना है, जब भी हम एक शब्द और एक अंक को लिखेंगे तो उसके बीच में इसका यूज करेंगे, टू मेथिल, एक दो तीन, टू मेथिल प्रोपेनॉल है ये, लेकिन ये थ्री प्रोपेनॉल है, तो टू मेथिल क्या लिखेंगे, टू मेथिल प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि दो नंबर पर ही ऑल ग्रुप लगा हुआ है, दो नंबर पर ही सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप लगा हुआ है। तो नामकरण का नियम होता है परफिक्स प्लस रूट चेन प्लस सफिक्स। तो सफिक्स यहां पर क्या होता है, सफिक्स हमेशा क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य करता है। तो ये हमने पहला एग्जांपल कर लिया, रूट चेन की जगह पर रूट चेन आ गई। रूट चेन किसके ऊपर बेस्ड होती है, रूट चेन बेस्ड होती है नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर, सिंगल कार्बन, मैथ, डबल कार्बन, एथ, ट्रिपल कार्बन, प्रॉप, उसके अलावा आगे चार कार्बन की होगी तो उसको ब्यूट कहेंगे, पांच कार्बन की पेंट, छह कार्बन की हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सारे के सारे, ठीक है, दस कार्बन तक। तो ये पहला एग्जांपल है जिसमें हमने सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जिसके अंदर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है,
इसी के अंदर क्या है, एक सब्स्टिट्यूटिव प्रतिस्थापी भी लगा हुआ है दो नंबर पे, और यही दो नंबर पे फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, नामकरण प्रीफिक्स प्लस रूट चेंज प्लस सफिक्स। तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए देखिए ये इसका दूसरा एग्जांपल है, CH3OH। इसका सबसे पहले सामान्य नामकरण करते हैं अपने, कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी कंपाउंड का सामान्य नामकरण करें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमसे IUPAC नामकरण पूछा गया है तो हम उसका IUPAC नामकरण भी कर लें तो ये भी सफिशियंट है। हम सामान्य नामकरण तो सिर्फ अपने नॉलेज के लिए करते हैं कि इसका सामान्य नामकरण अगर आ जाए तो किस प्रकार से होगा। देखिए इस समूह को आइसो समूह कहते हैं और तीन कार्बन है, तो इसका सामान्य नामकरण क्या होगा, देखिए आइसो प्रोपेल अल्कोहल, ये इसका सामान्य नामकरण है। ठीक है, अब इसी का जब हम IUPAC नामकरण करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला एक ही है जिसके अंदर तीन कार्बन है। अब हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के अंदर ये ध्यान रखना होता है कि OH को कम से कम मिले, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तब भी इसको दो ही मिलेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करें तब भी दो ही मिलेंगे, तो यहाँ से कर देते हैं 1 2 3, दो नंबर पे ऑल है। अब आगे इसका नामकरण कर देंगे, देखिए किस तरीके से होगा, देखिए ये क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल, इसी को कई बार 2-प्रोपेनॉल भी लिखते हैं, वो भी इसका सही नामकरण होता है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखिए मान लीजिए ये इसका एग्जांपल है CH3CH2OH। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहां पर कौन सी है, ये वाली 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है। अब देखो यहां पर समस्या ये आ गई कि ये जो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप है ये तो दो नंबर पे इधर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब मैं इधर से स्टार्ट करूंगा तो ऑल को 4 नंबर मिलता है, इस वजह से मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। तो वो नंबरिंग देखिए किस प्रकार से होगी, 1 2 3 4, तो पहले नंबर पे और लगा हुआ है, आगे CH3 लगी हुई है, नामकरण इसका क्या हो जाएगा, देखिए 3-methyl, सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं 3-methyl butanol, या ब्यूटेन, ये सबसे अच्छा मेथड है, ब्यूटेन वन ऑफ। ठीक है, हो गया, चलो फिनिश। ठीक है, तो ये हमने आज इसका IUPAC नामकरण के बारे में बात की है। एक और कर लेते हैं न्यू पेंटेन अल्कोहल का, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ये थर्ड वन था, और अब अपने फोर्थ वन एग्जांपल इसका कर लेते हैं। देखिए ये CH3CH2OH, ठीक है CH2OH। अब CH2, अब इसको सामान्य नाम में क्या कहते हैं, जनरल नेमिंग में इसको क्या बोलते हैं, ये नियो समूह है। अगर कार्बन के चारों तरफ कार्बन जुड़े रहे तो उसको नियो कहते हैं, 5 कार्बन की होने के कारण ये नियो पेंटेन हो जाएगा और अल्कोहल इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो नामकरण इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा नियो पेंटिल अल्कोहल, सामान्य नामकरण। IUPAC नामकरण देखिए इसका क्या होगा, IUPAC नामकरण में सबसे पहले तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखिए कौन सी होगी, ये सबसे लंबी यही है इसमें। इसका रीजन क्या है कि अगर मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3, यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3, यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4, लेकिन OH नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है, प्रोपेनॉल की श्रृंखला है ये, तो किस तरीके से इसका नामकरण किया जाएगा, देखिए देखिए ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, और ये 3 नंबर कार्बन, 3 कार्बन है इसमें। ठीक है,
पहले कार्बन पर OH लगा हुआ है तो एक नंबर कार्बन इसी को मानेंगे, दो नंबर कार्बन पर दो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसका नामकरण क्या जाएगा। ध्यान दीजिए, जब हम नामकरण में नोमेनक्लेचर में दो अंकों को सापेक्ष लिखते हैं, दो अंकों को एक के बाद एक लिखते हैं तो 100% कॉमा यूज करना। जब भी हम किसी अंक और शब्द को लिखे हैं तो 100% हाइफन यूज करना ही करना है, यूपीएससी का नियम। देखिए कैसे, दो नंबर पे ये है, सबसे पहले प्रतिस्थापी आएगा, दो प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, नामकरण होगा 2,2-dimethyl और 1,2,3 तीन कार्बन है, प्रोपेन वन और तो ये इसका नामकरण होगा। तो आईयूपीएसी नियम में हमको क्या करना है, आईयूपीएसी नियम के अंदर हमको ध्यान रखना है, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, दूसरा उस कार्बन श्रृंखला के अंदर OH ग्रुप यहाँ जो क्रियात्मक में आना चाहिए, तीसरा अगर प्रतिस्थापी लगा हुआ है सबसे पहले क्या होगा, अंकन करते समय इस प्रकार से क्रमांकन किया जाएगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है, जो क्रियात्मक समूह है, उसको कम से कम अंक मिले। चौथा, नामकरण करते समय प्रतिस्थापी को चाहे कोई भी अंक मिलता है सबसे पहले उसे लिखा जाता है, क्योंकि वह एक पूर्व लगन की तरह प्रयोग होता है। नामकरण का सीधा सिद्धांत है, सीधा नियम है, पूर्व लगन रूट चेन मतलब मुख्य श्रृंखला प्लस अनुलगन, और अल्कोहल के केस में अनुलगन हमेशा OH ही आता है। तो ये हमने यहाँ पर इसके आईयूपीएसी के नियम किए, उससे पहले हमने कार्बिनॉल पद्धति की और इससे पहले हमने नामकरण की जो सामान्य पद्धति है उसको किया था, और उससे पहले वर्गीकरण वगैरह के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं अल्कोहल के अंदर समवयवता के बारे में, अल्कोहल के अंदर आइसोमेरिज्म के बारे में कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक वही चल रहा है हमारा, टॉपिक हमारा है ROH मतलब अल्कोहल, और ये कौन सी क्लास के लिए है, ये है BSc सेकेंड ईयर के लिए, यूनिट है सेकेंड। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, हम बात करेंगे ROH में आइसोमेरिज्म, ठीक है, मतलब क्या होगी समावयवता किस प्रकार से होती है अल्कोहल में, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अल्कोहल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल में चार प्रकार की समावयवता पाई जाती है। सबसे पहली जो समावयवता होती है उसको बोलते हैं स्थिति समावयवता, दूसरी होती है श्रृंखला समावयवता, तीसरी होती है प्रकाशिक समावयवता और चौथी होती है क्रियात्मक समूह समावयवता। चार प्रकार की होती हैं, सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजिशन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज आइसोमेरिज्म, समावयवता क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, मतलब जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होते हैं परंतु उनके संरचनाएं अलग अलग होती हैं, जिनकी स्ट्रक्चर अलग अलग डिफरेंस होता है जिनकी स्ट्रक्चर में, उन सभी यौगिकों को क्या बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं, और इस गुण को बोलते हैं समावयवता या आइसोमेरिज्म। तो अब हम बात कर रहे हैं अल्कोहल के आइसोमेरिज्म में, चार प्रकार का आइसोमेरिज्म उसके अंदर पाया जाता है, उसी का यहाँ पर चार्ट है और इस चार्ट के अंदर इसको समझाया जाएगा। देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले कौन सा होता है स्थिति, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब है चेन आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है प्रकाशिक, प्रकाशिक का मतलब है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और जो चौथा है वो होता है क्रियात्मक समूह समावयवता मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना है क्रियात्मक समावयवता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्कोहल और ईथर दोनों एक ही चीज होते हैं, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन के अंदर भी पूछा गया है कि अल्कोहल और ईथर क्या है, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं, एक में क्रियात्मक समूह OH पाया जाता है, एक में क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन पाई जाती है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता का मतलब क्या है, इसमें क्या है, देखिए इसको श्रृंखला में
ओएच समूह की स्थिति बदल जाती है। श्रृंखला में ओएच समूह की स्थिति बदल जाती है कैसे? देखिए इसको, मान लीजिए हमारे पास में ये एग्जांपल है, ये है CH3CH2CH2OH, एक नंबर पे लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? वन ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन वन ऑल, ठीक है। अब मैं इसको उठाकर कहीं और लगा देता हूं तो कैसे बनेगा? देखो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्थिति समानता के बारे में बात कर रहे हैं। श्रृंखला में OH समूह की स्थिति बदलेगी। यहां पर OH समूह कहां पाया जा रहा है? ये OH समूह कहां पाया जा रहा है? ध्यान दीजिए, OH समूह एक नंबर पे पाया जा रहा है, एक नंबर पे। अब इसी को मैं बदल रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा कि इन दोनों के जो अणुसूत्र होते हैं वो कैसे समान होते हैं। देखिए कैसे, देखिए CH3, CH2 और CH3, चार कार्बन है। पहले OH एक नंबर कार्बन में पाया जा रहा था, अब इधर से स्टार्ट करेंगे, दो नंबर कार्बन पे आ गया, तो ये OH कौन से कार्बन पे आ गया? ये OH कौन से कार्बन पे आ गया? दो नंबर पे। तो इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-butanol। इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 2-butanol। इसके अलावा इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, एक कार्बन, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, तो इसको लिखेंगे C4 से। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 2 7 2 9 और 1 10, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C4H9OH, C4H9OH इसका फॉर्मूला नीचे बढ़ेगा। देखो, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, चार कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4 और 1 5 6 7 8 9 10। तो वही कंडीशन इसमें है, इस श्रृंखला में हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं? 3 1 4 5 6 7 8 9। तो श्रृंखला के अंदर भी कितने लगे? C4H9OH। तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H9OH है और नीचे वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H9OH है, लेकिन दोनों में OH समूह अंतर है। एक में OH समूह पहले कार्बन पर लगा हुआ है और एक में OH समूह दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है। इसको बोलते हैं स्थिति समानता। तो स्थिति समानता हमने फिनिश कर ली। अब दूसरी समानता के बारे में बात करते हैं, और दूसरी समानता कौन सी होती है? श्रृंखला समानता। तो हम इसको अलग अलग ही देखेंगे। यहां पर देखिए एक बार, श्रृंखला समानता जो दूसरी समानता होगी, पहली समानता हम कर चुके हैं, दूसरी समानता होगी जिसको बोलते हैं चैन आइसोमरिज्म, श्रृंखला समानता, चैन आइसोमरिज्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान देना है कि OH समूह जो है उसकी स्थिति नहीं बदलती, OH समूह की स्थिति नहीं बदलती, केवल इसकी श्रृंखला बदलती है। कैसे? इसके अंदर क्या होता है, श्रृंखला परिवर्तित होगी। क्या होगी? श्रृंखला परिवर्तित हो जाएगी, श्रृंखला परिवर्तित हो जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर मान लीजिए यह है CH3CH2CH2CH2OH, पहले नंबर पर और लगा हुआ है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? इसका नामकरण होगा 1-butanol। इसका नामकरण होगा 1-butanol। अब इसी को अगर अपने बदल दें, इसका क्या करते हैं? समावयवीकरण और श्रृंखला समावयवीकरण इसका करते हैं, मतलब चैन आइसोमरिज्म इसकी करते हैं, तो कैसे बन जाएगा? देखिए, CH3CH2OH पहले नंबर पे यहां लगा हुआ है। देखो, OH की स्थिति नहीं बदली, OH पहले नंबर पे इधर लगा था, OH पहले नंबर पे उधर लगा है, चार कार्बन इसमें, चार कार्बन उसमें, यहां पर भी इतने हाइड्रोजन, वहां पर भी उतने हाइड्रोजन, C4H9 वाला है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो श्रृंखला थी, ये वाली जो श्रृंखला थी, ये कितने कार्बन की श्रृंखला थी? ये थी चार कार्बन की सीधी श्रृंखला, जबकि यहां पर देखिए ये तीन कार्बन की सीधी श्रृंखला है। तो इसका मतलब जिस श्रृंखला में कार्बन की संख्या में अंतर आ जाए, श्रृंखला की मुख्य श्रृंखला की कार्बन की संख्या में अंतर आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं श्रृंखला समानता। तो ये था 1-butanol, वो क्या है? वो भी 1 है, लेकिन प्रोपेनॉल है। तो इसका एग्जांपल देखिए क्या बनेगा, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, तो क्या होगा? 2-methyl प्रोपेन
प्रोपेन वन और, तो इसका मतलब श्रृंखला बदल दी हमने। यहां पर चार कार्बन की श्रृंखला थी ब्यूटेनॉल आया, यहां पर तीन कार्बन की श्रृंखला थी प्रोपेनॉल आया। तो ये होती है श्रृंखला समावयवता दूसरी प्रकार की। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रकार की समावयवता के बारे में, जिसको हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। देखिए ये सारों में नहीं पाई जाती, केवल किरियल कार्बन युक्त जो अल्कोहल होते हैं उसी के अंदर पाई जाती है। थर्ड वन जो हमारी समावयवता है वो कौन सी है, वो है प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, अब इसमें ये किसमें पाई जाएगी, ये पाई जाएगी केवल किरेल केंद्र युक्त, किरेल केंद्र युक्त ROH के अंदर या किरेल केंद्र युक्त अल्कोहल के अंदर पाई जाएगी। अब किरेल केंद्र कौन सा होता है, किरेल केंद्र केवल अल्कोहल में नहीं होता, हर प्रकार के ऑर्गेनिक यौगिक में किरेल केंद्र पाया जा सकता है, लेकिन वो पाया किस तरीके से जाएगा उसको देखिए। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से जुड़ी हों, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से जुड़ी हों उसको किरेल कार्बन या किरेल केंद्र या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है टू ब्यूटेनॉल, दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें प्राप्त होते हैं दर्पण, इसमें प्राप्त होते हैं दर्पण प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं मिरर इमेज, जिसमें से एक होता है एल और एक होता है डी। एग्जाम्पल इसका हम करेंगे, इसका एग्जाम्पल है टू ब्यूटेनॉल। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है टू ब्यूटेनॉल। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, ऐसे मेंशन करूंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये कार्बन है, इस कार्बन के अंदर टू ब्यूटेनॉल है, दो नंबर पर OH समूह रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ब्यूटेनॉल की स्ट्रक्चर लिखनी है हमको, तो ब्यूटेनॉल की स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मान लीजिए ये है एक CH2, दूसरा CH2, ठीक है, यहां पर क्या है OH, यहां पर क्या है H, और यहां पर क्या है CH2, ये ब्यूटेनॉल। ठीक है, पहली चीज आ गई। अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं, ये मिरर इमेज को प्रदर्शित करने का तरीका है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं, ये कार्बन कौन सा है, किरेल कार्बन है, किरेल सेंटर है, ये कार्बन कौन सा है, किरेल सेंटर है, किरेल कार्बन वाला, ये किरेल कार्बन है, ये वाला किरेल कार्बन है। ये किरेल कार्बन क्यों है, देखिए उसका रीजन ये है कि यहाँ की चारों संयोजकता है, एक तरफ इसमें हाइड्रोक्सिल संयोजकता जुड़ी हुई है, एक तरफ इसकी संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, एक तरफ इसकी संयोजकता एथिल से जुड़ी हुई है, और एक तरफ इसकी संयोजकता मेथिल से जुड़ी हुई है। तो ये बन गया, अब इसी का मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज का मतलब होता है अगर मिरर में कोई लेफ्ट साइड है तो हमको राइट साइड में दिखाई देती है, और राइट साइड हमको लेफ्ट साइड में दिखाई देती है, वही सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा। देखिए किस तरीके से ये OH इधर आ जाएगा, ये OH इधर चला जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 CH3। तो ये मिरर इमेज बन गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवता, अर्थात वह अल्कोहल जिसके अंदर किरेल सेंटर पाया जाए, प्रकाशिक केंद्र पाया जाए, ऑप्टिकल सेंटर पाया जाए, वो प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित कर सकती है इस तरीके से, जिसमें से एक रूप डी होता है, एक रूप एल होता है। अगर हम इस रूप को डी मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एल, अर्थात एक रूप प्लेन पोलराइज लाइट को समतलीय ध्रुवित प्रकाश को एंड क्लॉकवाइज घुमाएगा, और एक रूप जो होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये इसकी प्रकाशिक समानता थी। उसके बाद हम लास्ट प्रकार की समानता के बारे में बात करते हैं, अल्कोहल की फोर्थ जो समानता होती है उसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता। तो इसमें अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि अल्कोहल और इथर, ध्यान रखना है अल्कोहल तथा इथर, इथर क्या होते हैं, आपस में क्रियात्मक समूह समावयी होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयी। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि CH3OH जो है, CH3OH क्रियात्मक समूह समावयवता को, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को नहीं प्रदर्शित करता, क्योंकि इसके अंदर दूसरा कार्बन होता ही नहीं, सिंगल कार्बन है। तो कहां से प्रदर्शित होगी, इसका सबसे पहला एग्जांपल देखिए, इसका सबसे पहला एग्जांपल है CH3CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल।
अब मैं क्या करूं अगर इस ऑक्सीजन को बीच में लेकर आऊं, ठीक है, अगर मैं इस ऑक्सीजन को बीच में लेकर आता हूं तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसी चीज को अगर आगे हम अगर समावर्तक से प्रदर्शित करें तो इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि क्या बनेगा। देखिए इससे ये वाला बनेगा कौन सा, देखिए CH3 का CH3 वो आ गया बीच में, ये वो बीच में आ गया और यहां से एक H किसके साथ जुड़ गया CH3 के साथ। तो देखिए दोनों के अंदर कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितना है 1, जबकि ये क्या है अल्कोहल और ये क्या बन जाता है डाइमेथिल ईथर। तो इसका मतलब अल्कोहल और ईथर परस्पर क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं जिसमें एक में क्रियात्मक समूह OH होता है जिसको आल कहते हैं और दूसरे में क्रियात्मक समूह OR होता है जिसको अल्कोक्साइड बोलते हैं, अल्कोक्सी प्रकार का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो इसका हमने चार प्रकार की समावयवता, सबसे पहले हमने की स्थिति समावयवता, OH समूह की स्थिति बदलेगी, दूसरी हमने श्रृंखला समावयवता, OH समूह की स्थिति वही रहेगी लेकिन श्रृंखला जो है वो बदल जाएगी, तीसरी जो हमने समावयवता की है वो हमने की है प्रकाशक समावयवता और चौथी समावयवता हमने की है क्रियात्मक समूह समावयवता। इससे पहले नामकरण कौन कौन से किए थे, नामकरण कार्बिनोल पद्धति जिसमें अल्कोहल को कार्बिनोल का व्युत्पन्न माना जाता है, दूसरी IUPAC पद्धति जिसके कुछ नियम थे और उसके बाद हमने की थी समावयवता। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, बनाने की विधियां, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, समावयवता, नामकरण। धन्यवाद।